मेरा नाम जितिन वर्मा है, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज पाइप टंकी का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पर। ए तथा बी दो नल अलग अलग, ए तथा बी दो नल अलग अलग, एक हॉज को 30 और 40 मिनट भरते हैं ना, कितने भरते हैं 30 और 40 मिनट में भरते हैं। ठीक है, भर सकते हैं तो 10 मिनट तक साथ चलने के बाद, दोनों कितने चल रहे हैं 10 मिनट तक साथ चलने के बाद। ठीक है, चलने के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, किसको बंद कर दिया जाता है, ए को, ए को बंद कर दिया जाता है। बी शेष हौज को कितने समय में भरेगा, बी शेष हौज को कितने समय में भरेगा। ठीक है, शॉर्ट में कर सकते हैं इसको, 30 गुणित 40, 10 दिया तो 10 दो माइनस में 10, फिर 30 प्लस 40, बटे में कौन भर रहा भैया, 30 नीचे रख दो ये वाला, ठीक ये बोल रहा तो ये रखना पड़ेगा फेस का ए और बी। चलो ठीक है, पहले तो जोड़ो कितना हो जाएगा, 70, 70 इंटू 10 700, जोड़े इधर तो क्या हो जाएगा, गुणा करें तो 312, माइनस करें तो 500, बटे 30 1060 घटा। ठीक है, 3 1 3 बचा 2, 3 6 18 बचा 2 ऊपर 3 नीचे, कितना जाएगा 16 सही 2/3 मिनट आएगा, कितना आएगा 16 सही 2/3 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा भैया, देख लो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक नाल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, एक नाल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है, एक नाल एक टंकी को 12 में भर सकता है, दूसरा इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, खाली कर सकता है, यदि टंकी पहले से ही 3/4 भरा हो तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने दिन में खाली हो जाएगी, 1/4 का 3/4 भरा हुआ, 3/4 मतलब 3/4। चलो ठीक, पहले इसको हल करो, इसमें क्या जाएगा, ये इसमें आ जाएगा भैया, जब निकाले तो हो जाएगा 12/8, 2 से काटे 6 बार गए, 2 से काटे 4 बार गए, 2 से काटे 3 बार गए, 2 से काटे 2 बार गए, 2 से काटे 1 बार गया, फिर 3 से काटे 1 बार गया, 2 3 2 2 4 4 2 8 8 3 24 कितना आ गया एलसीएम अपना, कितना आया एलसीएम 24 आया ना, 12 2 24 8 3 24 माइनस करे तो 1 1/24 1/24 गुणित 3/4 बोला है ना, 3/4 बोला है, 3 8 3 8 24 8 4 32 कितना आना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर आना चाहिए भैया 32 है ना, 3/4 हो तो दोनों साथ खोल दिया जाए तो कितने भरेगा, 32 भरेगा, और चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ हुआ हुआ तो, 3 8 2 4 4 2 8 8 3 24 माइनस करें इसको, मर रहा हूँ, शॉर्ट में भी करेंगे तो देख लो इसको, शॉर्ट में भी करेंगे तो 12 × 8 12 − 8 4 4 3 12 3 8 24 ही आए 1/24 है, ठीक है, 3/4 ही बोला है ना, पलटा संख्या तो ऐसा ही हो सकता है, 3/4
चार छह 24, 3 छक्के 18, ऐसा हो सकता है, गलत हो सकता है ना। कितना मिनट आएगा इसमें? 18 मिनट आएगा, गलत हो गया अपना, पलटाना पड़ेगा संख्या, 24 रहेगा, 24 बटे 1 है ना, ये हो जाएगा क्या, 4 3 24 8 3 6 3 18, इतना जा गया हमारा आंसर। 18 इसमें भी आया, 18 इसमें भी आया, ठीक है, 18 18 इससे करना, इससे करो, इससे करना, इससे करो, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, कि दो नल एक हौज को 50 मिनट तथा दूसरा इसे 60 मिनट भरता है, पहला 50 दूसरा इसे 60, 60 में भर सकता है, ठीक है, 60 में भर सकता है, तथा 10 मिनट तक साथ रहने के बाद, 10 मिनट तक साथ रह रहा है, 50 क्या बोला लास्ट में, लास्ट में बोला उसने, लास्ट में क्या बोल रहा है कि बी उसे कितने में भरेगा, बी भरेगा तो ए को रखना पड़ेगा, ठीक है, ए को नीचे रखना पड़ेगा, चलो ठीक है, जोड़े तो 110 इंटू करे तो 1 0 और लग जाएगा, उसके बाद में फिर 5 6 के 30 हो जाएगा, 2 0 के 2 0 हो जाएंगे, माइनस करें 3000 माइनस 1100 बटे 50, ठीक, माइनस कर रहे हैं 1100, 3000 में तो क्या बचेगा, 1900 बचेगा, कितना बचेगा, 1900 बटे 50, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 3 15 बचा 4 15 40, कितना आया अपना आंसर, कितना आंसर आया इसका, 38 है ना, कितना मिनट आएगा, 38, इतना टाइम लगेगा इसको, ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसको, 38, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भैया, दो नल ए और बी क्रमशः 20 25 और 35 मिनट भरते हैं ना, दो नल, दो नल, नल बी 25 और 35, 1/25 + 1/35 दोनों भर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद बोल रहा है मिनटों में भरते हैं, हौज भरे भरा जा सकता है, सी उसी उसे 10 मिनट में खाली करता है, सी उसे 10 मिनट में खाली करता है, सी उसे 10 मिनट में खाली करता है, पहले दोनों का निकालो, सी उसे 10 मिनट में खाली करता है, तो 5 मिनट तक ए और बी खुले रहते हैं, चलो ठीक कोई बात नहीं, 5 मिनट का पहले नहीं निकाल लो, तीनों का बाद में निकाल लेंगे, 5 मिनट तक कौन खुले भैया, दोनों ए और बी, 5 मिनट तक कौन कौन खुले हैं, ए और बी, सी एक दिन एक बार आए, इसे 5 मिनट तक खुले पर बंद होगा, ठीक है, इनका हो जाएगा 5 1 5 5 5 25 मतलब 1/5 + 7 35 1/7 इसमें भी निकल जाएगा, इसमें निकल जाएगा, इसका गुणा इसके साथ 7 हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 7 35 कितना आया इसका, त्रिया गुणा करने के बाद में इसको प्लस कर दिए तो 12/33 आया, ठीक, ये दोनों का मान हो गया 5 दिन का, कितना का हो गया, ए और बी ने कराया 5 5 दिन 5 दिन तक खुले जिसका काम आया, ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अब उनकी क्षमता जो बोल रहा है कि ये कितने दिन में करेगा, ये कर रहा है 1/25 में कर रहा है, ठीक है, दूसरा कर रहा है 1/35 में कर रहा है, और तीसरा एक खाली कर रहा है, इसकी क्षमता कितनी है 1/10, ठीक, ये तो 5 दिन का अलग निकाल दी है ना, खोले रहे हैं, अब जो पूरा कामन ले रहे हैं मतलब कि जो क्षमता उनकी कितने दिन में अकेला करेगा, ठीक, सी खाली कर रहा है, खाली कर रहा है मतलब माइनस, तीनों का एलसीएम निकालो पहले, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, 25 35 10, 5 5 25 15 37 35, 5 2 10, 5 1 5 7 का 7 2 का 2, फिर 7 से चल जाएगा 7 1 7, फिर 2 से चल जाएगा, ठीक, 1 2 3, 5 5 25
25 दूनी 50, ठीक, 7 का इंटू करे इसमें, 25 दूनी 50 ना, इसमें 7 का इंटू करे, 7 सुन्ना सुन, तो बना 35, कितना, तो बना 35, कितना एलसीएम आया इसका, 350, कितना एलसीएम आया इसका, 350, ठीक है, 350 इसका एलसीएम आया, चलो ठीक है, इससे काट भी सकते इसको भी, 35 का 35,000 आ गया यहाँ पर, माइनस 35 एक कम 35, यहाँ 10,000 आएगा, ठीक, इसको भर काटना है आपको, तो 35 बटे 50, 350 बटे 25, पचम 25, पचम 25, 535, 5 एक कम 5, अच्छा दो 5 24, 14 बार जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 14 प्लस प्लस पहले जोड़े कितना हो जाएगा 24, 24 24 में से 35 और 24 आया ना, 24 24 आया, 24 35 में 24 गए कितना बचेगा 11, ठीक, 11 बटे 350, अभी तीनों का काम आ गया, तीनों मिलकर करेंगे कितना आया 11 बटे 350, और इधर दोनों का आया 5 दिन तक 12, तो इनको क्या करना बराबर में रहेगा, ये 35 बटे दे हो जाएगा, ठीक, ऐसा भी काट सकते हैं, गुणा चेंज करने से संख्या पलट जाएगी, 35 एक कम 35 10 हो गया, ठीक है, इसका इंटू इसके साथ कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 बटे 11, ठीक, 11 एक कम 11 मतलब कितनी बार जाएगा 110, 10 बार जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, कितने दिन जाएगा 11 दिन जाएगा, कितना आएगा 11 मिनट, 10 सही 10 बटे 10 सही 10 बटे 11, कितना आएगा 10 सही 10 बटे 11, ठीक है ना, को अलग अलग करें इसमें कॉमन करें, दोनों कॉमन करके इसके बाद में इसमें मल्टीप्लाई करें तो आ गया अपना 10 सही 10 बटे 11, ठीक, चलो ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा भैया, दो हौज कितने, दो नल ए बी किसी काम को क्रमशः 40 और 60 मिनट में भरते हैं ना, 1/40 1/60, ठीक, ए और बी, ए और बी, ए और बी, सी भी उस टंकी में लगा हुआ है जो इसे खाली कर रहा है, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टंकी 120 मिनट भर जाएगा, पूरा टंकी 120 मिनट में भर जाएगा, ठीक, अलग अलग है तीनों, ठीक है 120 मिनट में भर जाएगा बोल रहा, तो उस भरे हुए टंकी में नल सी कितने मिनट में खाली कर देगा, तीनों की क्षमता हो गई ये, और ये दो अलग अलग हो गए, ठीक है, अब एलसीएम देख लो इसका 40 140 5 बार 60 5 दूनी 10 बचा 2 5 24, ठीक है फिर 2 से चल जाएगा ये 2 चौक 8 2 छक्के 12 2 बार 24, फिर 2 से चल जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6 2 छक्के 12, फिर 2 से चल जाएगा 2 एक कम 2 3 का 3 2 3 6, फिर 3 से चल जाएगा 3 3 1 1, ठीक, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 तिरी 120 40 तिरी 120, क्या आंसर आया, क्या ऑप्शन आया, नहीं मतलब ऐसे में कितना आया 120, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 तिरी 12, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 दूनी 12 माइनस 1 0 से 1 0 खत्म, एक बार जाए, ठीक, जोड़े तो कितना आया यहाँ पर 5 माइनस करे एक तो 4 4 बटे 120 120 ऊपर 4 नीचे 120 ऊपर 4 नीचे 4 3 12 कितना आंसर आया इसका 30, कितने मिनट लगेंगे भैया इसको सी को लगेगा इसमें 30 मिनट, इसमें ए बी सी दो है ना, ए बी सी तीनों का काम है इसी करेंगे ना,
सी को कितना लगेगा खाली करने में, 30 मिनट लगेगा। कितना लगेगा इसको सी को, 30 मिनट लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा इसको, 30 मिनट लगेगा ना। चलो ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए पर्याप्त। चैनल पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।